एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में 11 अलग अलग लोकेशंस पर रेड किया है और मामला है कश्मीर में उन सिविलियन किलिंग्स का। 16 दिनों के अंदर अंदर 11 लोगों के ऊपर आतंकवादी हमला करते हैं और अब इस जांच की जिम्मेदारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी गई है। श्रीनगर और बारामुल्ला के इलाकों में, साथ ही में सोपोर, पुलवामा, कुलगाम, इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स में 11 लोकेशंस के ऊपर आज रेड चल रही हैं। और वहीं जो रेजिडेंसेस हैं, रशीद भट्ट, फहाद अली वानी, हमदनिया कॉलोनी में, छनपोरा में, और फुरकान इमरान खान जो कि गवर्नमेंट हाउसिंग कॉलोनी बाग मेहताब में रहते हैं, इन जगहों पे, इन रेजिडेंसेस पर भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस समय रेड कर रही है। जो ये रेड्स चल रही हैं, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का एक अटैम्प्ट है ताकि जो टेरर नेटवर्क काम कर रहा है कश्मीर घाटी में, जो रिस्पॉन्सिबल है इन कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स के लिए, उन्हें क्रैकडाउन किया जा सके, और साथ ही में जो ओवरग्राउंड वर्कर्स काम कर रहे हैं टेरर आउटफिट्स के साथ, उन्हें भी जो है रोका जा सके, आइडेंटिफाई किया जा सके। ऑलरेडी दर्ज बताया जा रहा है कि 10-12 लोगों को एनआईए ने अपनी कस्टडी में लिया है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। लास्ट वीक भी एजेंसी ने 16 लोकेशंस पर जम्मू कश्मीर में अलग अलग जगहों पर, पारिमपोरा में, छटाबल में, छनापोरा में, सोलिना में, छटाबल में रेड्स कंडक्ट की थी, लेकिन अभी नॉन लोकल वर्कर्स के ऊपर और साथ ही में जो लोग कश्मीर घाटी में काफ़ी सालों से काम कर रहे थे, जो माइनॉरिटीज़ का हिस्सा, माइनॉरिटी कम्युनिटी का हिस्सा है, उनके ऊपर जिस तरीके से अटैक्स कश्मीर घाटी में हुए, उन्हें जो है आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, अब ये जो पूरी इन्वेस्टिगेशन का काम है वो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया है। अगर मैं बात करूँ इस काम के सौंपने की, तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जिस समय नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी कॉन्फ्रेंस में सभी स्टेक होल्डर्स से बात की, उसी समय बताया ये जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि ये डिसीजन लिया गया कि अब ये जो जांच की जिम्मेदारी है, प्रोब की जिम्मेदारी, ये नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दी जाएगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो किलिंग्स है ये एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है जिसमें पाकिस्तान का भी एक रोल है। एजेंसी का अभी तक बताया ये जा रहा है सूत्रों के द्वारा कि 4 केसेस को फिलहाल नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी प्रोब कर रही है, जिसमें मखनलाल बिंद्रू की हत्या, उसके अलावा स्ट्रीट वेंडर वीरेंद्र पासवान की हत्या और स्कूल टीचर सुपिंदर कौर और दीपक चंद की हत्या, जिन चारों लोगों को कश्मीर घाटी में श्रीनगर में जो है आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया, और साथ ही में 2 माइग्रेंट लेबरर्स भी जो बिहार के रहने वाले थे, जिन्हें कुलगाम में जिनके ऊपर अटैक किया आतंकवादियों ने, इन सभी केसेस को इन्वेस्टिगेट कर रही है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। और जो लोकल एनआईए की टीम है वो ऑलरेडी जम्मू कश्मीर पुलिस की सहायता भी कर रही है ताकि मास्टरमाइंड्स को आइडेंटिफाई किया जा सके, और साथ ही में ओल्ड केसेस भी जो है उन लोगों के, जो लोग स्टोन पेल्टिंग में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी खंगाला जा रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि रेगुलर जो टेररिस्ट कैडर हैं वो शायद से जिम्मेदार नहीं है, बल्कि एक और मॉड्यूल जो है वो ऑपरेट कर रहा है कश्मीर घाटी में, जो रिस्पॉन्सिबल है इन किलिंग्स के लिए। और ये भी कहा जा रहा है एनआईए के द्वारा कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, जिस कॉन्स्पिरेसी के चलते ये किलिंग्स जो हैं कश्मीर घाटी में इस तरीके से की जा रही हैं, जिसमें खास तौर पर माइग्रेंट लेबरर्स को टारगेट किया जा रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं उन्हें टारगेट किया जा रहा है। और इसकी वजह से देखने को ये मिल रहा है कि किलिंग्स की वजह से एक ऐसा सिग्नल चला गया है लोगों में, जिसमें कश्मीरी पंडित कम्युनिटी के लोग जो कश्मीर घाटी जाना भी चाहते थे, ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अब वो भी हेजिटेंट है कश्मीर जाने के लिए, और वहीं जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो भी कश्मीर घाटी छोड़कर वापस अपने घर जा रहे हैं, जिनका तो काम ख़त्म हो गया है। वो तो हमने जैसे आप तक अलग अलग वीडियोज़ में पहुँचाया कि कुछ लोगों का काम जो है वो ख़त्म हो चुका था, टिकट्स बनी हुई थी, वो उसके चलते वापस घर जा रहे थे, लेकिन भारी संख्या में वो भी लोग हैं जिनका काम तो अभी भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने जिस तरीके के हालात कश्मीर घाटी में देखे, जिस तरीके की टारगेटेड किलिंग्स की खबर उन तक पहुंची, उसके चलते डर के मारे वो कश्मीर घाटी छोड़कर वापस अपने घर जाने पर मजबूर हो गए। फिलहाल बात ये कि पुराने जितने भी केसेस हैं, सोन पेल्टर्स के हों या अलग अलग आतंकी घटनाओं के हों, उन्हें भी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खंगाल रही है और साथ ही में इन्वेस्टिगेट कर रही है जिन 11 सिविलियंस को 16 दिनों के अंदर अंदर लोग टेररिस्ट ने टारगेट किया है, उनकी हत्या की है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एंटी टेरर ऑप्स जो हैं कश्मीर घाटी में सेटअप करने पड़ गए हैं। इसी पर बात करेंगे, मेरे साथ है मेरे कलीग सैयद जुनैद हाशमी। आपसे समझना चाहूँगी कि एनआईए ऑलरेडी कई सारे केसेस जो हैं वो प्रोब कर रही है जम्मू कश्मीर में, अब ये एक और जिम्मेदारी एनआईए को सौंप दी गई है कि ये जो टारगेटेड किलिंग्स हैं ये भी एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है, जिस कॉन्स्पिरेसी के चलते ये किलिंग्स हो रही हैं, तो कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो ये कि एनआईए को जांच क्यों सौंपी गई है? क्या जम्मू कश्मीर पुलिस असमर्थ है इस सारे मामले को क्रैक करने में?
क्या जम्मू कश्मीर पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं, क्या उन्होंने कह दिया कि भाई हमसे पॉसिबल नहीं है, हम क्या कहते हैं इसकी पड़ताल नहीं कर सकते, एक नंबर। दो, NIA के हवाले करने का मतलब ये भी है कि जो हम पहले भी बात करते रहे हैं और जो अलग अलग सीनियर ऑफिसर्स ने, जिसमें पूर्व DGP डॉक्टर SP वैद और उसके अलावा अन्य कई और पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनसे हमारी बात हुई है, वो भी क्या कह रहे थे, वो भी यही कह रहे थे कि ये मॉड्यूल हैं अलग अलग छोटे छोटे और ये मॉड्यूल जो है कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान है और ये सारे का सारा पाकिस्तान की साजिश है और पाकिस्तानी ये सब कुछ करवा रहा है। अभी लेटेस्ट जानकारी हमारे पास आ रही है, द्रगड़ एरिया है शुपियन का जहाँ पर आतंकियों और फौज के बीच में एनकाउंटर शुरू हो गया है। उसके अलावा BSF पंजाब ने एक बहुत बड़ा वेपन स्मगलिंग का जो एक अटेम्प्ट थी, एक कोशिश थी तरन तारण इंटरनेशनल बॉर्डर के ज़रिए, उसको जो है अनसक्सेसफुल बनाया और उसमें भी 22 पिस्तौल जो हैं वो रिकवर किए गए। ये आप देख सकते हैं, ये 22 पिस्तौल हैं जो रिकवर किए गए हैं, ये 22 पिस्टल्स हैं जी जो रिकवर किए गए हैं। इसका मतलब ये हो गया पल्लवी जी कि जो बात इसरार खान ने कही थी कि पिस्टल बांटे गए हैं और ये छोटे छोटे मॉड्यूल हैं और ये मॉड्यूल जो हैं एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं हैं और बिल्कुल नए लोग हैं जो ये सारे काम कर रहे हैं, इसका मतलब उसमें कोई सच्चाई तो है। आज अगर पंजाब के बॉर्डर पर भी BSF जो है, पहले जो वेपन रिकवर करती थी, पहले बड़ा वेपन रिकवर होता था, लेकिन अब पिस्टल रिकवर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि अब पिस्टलों के ज़रिए कोई बड़ी साजिश जो है वो पाकिस्तान रच रहा है। तरीका है वो चेंज हो चुका है, बिल्कुल तरीका चेंज हो चुका है। और दूसरा ये कि NIA को इन्वेस्टिगेशन देने का मकसद ये भी है, अभी तक जो NIA इन्वेस्टिगेशन करी है 90% इन्वेस्टिगेशन में जो लोग पकड़े गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, तो NIA इसका मतलब हो गया बड़ी सटीक तरीके से, बड़ी बारीकबीनी के साथ इन्वेस्टिगेशन करती है। और NIA को इन्वेस्टिगेशन देने का मतलब भी ये है कि आप इसमें क्रॉस बॉर्डर एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करें, आप मालूम करें कि पाकिस्तान किस हद तक इस सारे सिलसिले में इन्वॉल्व है, पाकिस्तान किस हद तक इस सारी साजिश में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए ये जो NIA के हवाले इन्वेस्टिगेशन करी गई है, यही कारण है कि NIA इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आई है। मगर अब बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, 900 लोग गिरफ्तार किए गए, मेरी जानकारी के मुताबिक और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पर जो है पुलिस छापेमारी कर रही है, जो स्टोन पेल्टर्स हैं बहुत बड़ी तादाद में उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मेरी समझ से परे है ये कि जब आपने स्टोन पेल्टर भी गिरफ्तार कर लिए, जब आपने उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जो लोग जमात इस्लामी के साथ, अन्य आतंकी संगठनों के साथ कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे या जो पहले आतंकवादी रहे हैं और अब जो क्या कहते हैं सरेंडर्ड मिलिटेंट की कैटेगरी में है, उन लोगों को भी अगर आप लोगों ने थानों में बुला लिया है, उसके बाद भी अगर टेरर मॉड्यूल काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो टेरर मॉड्यूल इन लोगों के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। दूसरा, पुलिस के जो ऑफिसरान हैं वो ये भी कह रहे हैं कि पुलिस के पास जो ह्यूमन इंट है, जिस ह्यूमन इंट को लेकर कल एक बड़े सीनियर ऑफिसर ने ये कहा कि हमारा सबसे कीमती और पावरफुल वेपन हमेशा ह्यूमन इंटेलिजेंस रही है। अगर इतने सीनियर ऑफिसर ये कह रहे हैं कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी है, ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको मिल नहीं रही, तो इसका मतलब है कि जाहिर सी बात है कुछ तो होगा, आग ऐसे ही कहीं पे नहीं लगती, धुआं ऐसे ही कहीं पे नहीं निकलता। अगर वो लोग ये कह रहे हैं दैट देयर इज शॉर्टेज ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो इसका मतलब फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस में कमी आई है, उसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा दो अनआइडेंटिफाइड आतंकी जो है द्रगड़ एरिया में साउथ कश्मीर के शुपियन इलाके में मारे गए हैं, अभी एक घंटा पहले एनकाउंटर शुरू हुआ था और एक घंटे के बाद अभी थोड़ा 10 मिनट पहले की 35 सेकंड पहले की बात है और ये आतंकी मार दिए गए हैं। तो फौज तो अपना काम कर रही है आतंकियों को मारने का, फौज तो ऑपरेशंस कर रही है और सक्सेसफुल ऑपरेशंस कर रही है, लेकिन अब पल्लवी जी सवाल यहाँ पर ये है कि क्या ये जो आतंक का एक नया चेहरा जिसमें मासूम लोगों को निशाना बनाया जा रहा था, क्या इस पर को काबू किया जाएगा, क्या कुछ लोग गिरफ़्तार होंगे, और जो लोग गिरफ़्तार होंगे क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद आतंकी ये वारदातें जो हैं घाटी में होना बंद हो जाएंगी, ये वो सारे सवाल हैं जिन सवालों का जवाब हमें अगले कुछ दिनों में मिल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आज 11 लोकेशंस पर रेड कर रही हैं, उनमें कई सारे लोगों के रेजिडेंसेस पर भी रेड कर रही हैं, क्योंकि ये मानना है उनका कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी के चलते ही इन स्पेसिफिक टारगेट्स को टारगेट किया जा रहा है आतंकियों द्वारा। वो लोग जो जिन्हें पुलिस भी कहती है कि ये सॉफ्ट टारगेट्स हैं, जिन्हें पॉसिबल नहीं है कि हर एक ऐसे व्यक्ति को सिक्योरिटी कश्मीर घाटी में प्रोवाइड की जा सके जो केवल अपना कामकाज करने के लिए कश्मीर आता है, जो कोई गोलगप्पे की रेडी लगा रहा है, जो कोई स्कूल में पढ़ा रहा है, वो लोग अब आतंकियों के निशाने पर हैं। और इसी मॉड्यूल को बस्ट करने के लिए कि कौन वो लोग इन्वॉल्व हैं इन किलिंग्स में, और साथ ही में
क्या एक ही ग्रुप काम कर रहा है या कई सारे छोटे छोटे अलग अलग ग्रुप्स जो हैं वो ये काम कर रहे हैं और एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप के बारे में मालूम नहीं है, जिस तरीके से पहले भी एक्स डीआईजी ने बताया कि हो सकता है अलग अलग स्लीपर सेल्स काम कर रहे हों और ओवरग्राउंड वर्कर्स की मदद के साथ इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है। लेकिन आखिर में देखना ये होगा कि क्या निकल कर आता है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जाँच में।